हाँ जी, सजा देने के लिए ट्रिब्यूनल कहाँ बैठेगी इस दुनिया में कि स्वर्णिम संगम दुनिया? ट्रिब्यूनल में कितने होते हैं? और जो ट्रिब्यूनल में होते हैं वो ऊंचते ऊंचे हैं या नीचते नीचे भी हैं? है? अरे ट्रिब्यूनल में बैठेंगे तो ऊंचे ते ऊंचे बैठेंगे या नीचे ते नीचे भी बैठेंगे? ऊंचे ते ऊंचे होंगे। वो ऊंचे ते ऊंचे तीन कौन हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो ब्रह्मा कौन होगा? है चंद्रमा, जगदम्बा ब्रह्मा के रूप में, और विष्णु वैष्णवी, और शंकर। तो कहाँ बैठेंगे ये तीनों इकट्ठे होकर? हैं? हाँ, वो स्थान भी ऊंचे ऊंचे कौन है? सब तीर्थों में महान तीर्थ है, वहीं सब जाके किनारे लगेंगे। तीर माने किनारे, ठिकाने। एक एक का फैसला होगा तो ठिकाने लग जाएंगे। और सजा वहां पर मिलेगी या स्वर्णिम संगम युग में, क्या उसके जाने के पहले? स्वर्ग में भी सजा मिलती है? है? सजा खाके स्वर्ग में जावेंगे या स्वर्ग में जाके सजा खावेंगे? सजा खा के स्वर्ग में जाना पड़े, सजा खा के मुक्ति धाम जावेंगे? सुख धाम की तो बात ही छोड़ो। बाबा, मुरली पॉइंट है, यहाँ तो यह स्वीट राज्य है ही नहीं है? मुरली का पॉइंट है, यहाँ तो यह स्वीट राज्य है ही नहीं, यह राज्य रुंड के पानी मिसल राज्य है। तो रुंड का पानी मिसल माना? जैसे पानी चढ़ाते हैं ना सोने का, या चांदी का पानी चढ़ाते हैं, तो सदा काल रहता है या खत्म हो जाता है? अल्प काल के लिए रहता है। तो ऐसे ही रुण्य के पानी मिसल राज्य है। आज गद्दी पे बैठते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, कल गद्दी से उतार दिए जाते हैं। तो रुण्य के पानी मिसल राज्य है। बाबा जी, ब्रह्मा बाबा ने तो शरीर 1970 में छोड़ा, तो 1970 से लेकर 2036 तक 50 वर्ष से भी ज्यादा वर्ष होते हैं बाबा का? 2036 नहीं, 2018। लेकिन बाबा तो शरीर धारण नहीं करते? आधा साधा जिनका हो जाता है पक्का, एग्रीमेंट पक्का हो जाता है, वो टाइम कौन सा है कि एग्रीमेंट पक्का, दोनों में समझौता हो गया? अभी दोनों भागीदारों में समझौता हो गया या लड़ाई चल रही है? अभी भी लड़ाई चल रही है। फिर दोनों भागीदारों में रामकृष्ण की आत्मा में समझौता हो जाएगा। जब समझौता हो जाएगा तो भले शरीर एक ही होगा, शरीर एक ही होगा, और एक ही शरीर में दोनों आत्माएं अपना भाग्य बनाएंगी। इसलिए बताया 50 साल, विष्णु का पार्ट कहा जाता है। जैसे स्त्री पुरुष मिलकर के एक होकर रहते हैं, कहते हैं ना हमारे शरीर दो हैं लेकिन आत्मा आत्मा एक है। और बाबा जी कहते हैं 1969 में ब्रह्मा बाबा ने स्थूल शरीर छोड़ा, 1986-87 में वो अमर लोक में आए, तो फिर 1986-87
सौ साल पूरे हो गए अमर लोग 86-70 में। अंग्रेजी में बोल दो हैं? 33 में 86 में ब्रह्मा का दौर 86-87 में ब्रह्मा के 100 साल पूरे हुए तो वो मृत्युलोक से अमरलोक में आए तो अमरलोक में शरीर के साथ आए या शरीर नहीं कहेंगे। प्रश्न ये है बाबा जी है 1969 से लेकर 1986-87 तक फिर ब्रह्मा बाबा कौन से लोक में रहे? मृत्युलोक में थे क्योंकि सागर में पीपल के पत्ते पर बड़े आराम से रहते हैं लेकिन अपने शरीर के साथ थे या पराए शरीर में थे? पराए शरीर में है, अभी भी पराए शरीर में है। और आदम शुमारी सतयुग में होंगे है? आदम शुमारी सतयुग में होंगे। हाँ होगी। हाँ, तो आबादी बदली जाएंगे तो यह आदम शुमारी क्या है? आदमशुमारी माने आदमी कितने हैं दुनिया में उसको आदम शुमारी कहा जाता है। गिनती होती है। नागपुर की आबादी क्या है? भारत की आबादी क्या है? भारत की कैपिटल की आबादी क्या है? दुनिया की आबादी क्या है? उसको आदम शुमारी कहा जाता है। बाबा आदि की दुनिया में पेट फाड़कर बच्चे निकालने का फैशन है तो बेहद की दुनिया में भी बुद्धि रूपी पेट फाड़कर बच्चे कैसे पैदा होते? जब जब ज्यादा तकलीफ देते हैं पैदाइश में तो सहज पैदाइश हुई या कठिनाई से पैदाइश हुई? कठिनाई से पैदाइश हुई, उसी को देह अभिमान रूपी पेट फाड़ दिया, ऐसे कहा जाता है। कहते हैं सभी आत्माओं को बाप का संदेश दो, चाहे पर्चे द्वारा, टीवी, इंटरनेट द्वारा, चाहे पोस्टर द्वारा। बाद में बाबा कहते हैं कि एक आत्मा को बैठकर एक समझाओ। समझाना बात अलग है गहराई से, और संदेश तो एक मिनट में दिया जा सकता है। तो इसमें क्या करना है, क्या ये बैनर और पोस्टर लगाए गए थे डायरेक्शन श्रीमद सर है या नहीं है? है, संदेश देंगे तो आत्मा को गहराई से समझ में नहीं आएगा, सिर्फ ऊपर ऊपर बात कान में पड़ गई कि नई दुनिया आने वाली है, पुरानी दुनिया जाने वाली है, भगवान आया हुआ है, लेकिन गहराई से नहीं समझा जो दूसरे को समझा सके। तो ऐसी आत्माएं जो संदेश ले लेती हैं लेकिन न समझने के कारण पुरुषार्थ नहीं करती हैं, वो स्वर्ग में तो आ जावेंगी परंतु ऊंच पद नहीं पावेंगी। कोई को ऊंच पद दिलाना है तो उन आत्माओं को गहराई से बैठ करके समझाना पड़े, और अकेले को समझाएंगे तो जल्दी समझ में आवेगा क्योंकि अब विचारी रीति ज्ञान बुद्धि में बैठेगा। और बाबा सिमूर का बेहद में अर्थ क्या है? सिमूर सिमूर गांव का नाम सिमूर। चेम्बूर नहीं है, चेम्बूर है। आज चेम्बूर में बाबा ने वाणी चलाई ना, हाँ तो वो ही चेम्बूर हो गया। ये हमारा चेम्बूर इधर। हाँ तुम्हारा ही चेम्बूर। आजकल जज लोग होते हैं वो कोर्ट में बैठते हैं, कोर्ट में बड़ा कमरा होता है, जब थक जाते हैं फैसला करते करते तो थोड़ा आराम लेने के लिए पीछे उनका एक कोठरी छोटा सा कमरा बना हुआ होता है, उसमें जाके एकांत में बैठते हैं आराम लेने के लिए, उसे कहते हैं चैम्बर।
तो चिम्मूर में चले जाओ। और में दुनिया की सभी आत्माएं सूक्ष्म वतन में ठहरती जाएगी, आकार होगा, वो आत्माएं भूत प्रेत आत्माएं वातावरण में मंडराएगी। तो स्वर्णिम संगम युग में 4.5 लाख शरीर सहित तपस्या करने वाली आत्माएं वो घुसेंगी, कैसे घुसेंगी? स्वर्ग में भी तपस्या होगी क्या? स्वर्ग में नहीं बाबा, हाँ स्वर्णिम संगम, स्वर्णिम संगम युग में जहाँ तपस्या होगी वो तपस्या धाम होगा, वो वहाँ कोई सूक्ष्म वतन नहीं होगा। सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म संकल्प चलते हैं, उनके तो सूक्ष्म संकल्प भी नहीं चलेंगे, पक्का निश्चय बुद्धि। बस अपन को आत्मा समझना है और बाप को याद करना है, बस वो हो गई तपस्या। कहा है कि अंतिम में ये जो आत्माएं हैं शरीर में घुसने के लिए देखेंगे, तो वो बात कहाँ की? शरीर में घुसने नहीं देंगी, एक एक शरीर हाँ ढेर सारी आत्माएं प्रवेश करेंगी, तो वो यही की है। अगर अभी आत्मिक प्रैक्टिस नहीं की तो ढेर सारी आत्माएं देह अभिमान के कारण प्रवेश कर जाएंगी। अगर आत्मिक प्रैक्टिस पक्की है तो उनका प्रवेश नहीं हो पाएगा। तो जो पक्के तपस्वी होंगे उनमें आत्माओं का प्रवेश नहीं होगा। बाबा भक्ति मार्ग में बोला है कि उत्तम खेती मध्यम बाण निखट चाकरी भीख निदान, इसका अर्थ क्या है? माना ज्ञान की खेती करना उत्तम बात है, बाण माने व्यापार, कुछ लो और कुछ दो, लेन देन करना ये मध्यम बात है, और दूसरों की चाकरी करो, दास दासी बन करके रहो, वो थर्ड क्लास धंधा है। भीख निदान माने भीख तो बिल्कुल बेकार है, भीख लेके खा लिया वो तो इस दुनिया में भी नीचे कहे जाते हैं और वहाँ भी न पुरुषार्थियों की लिस्ट में डाले जाएंगे। पंडित जी माता का क्वेश्चन है, उनकी भट्टी के लिए क्वेश्चन दिया है, उसने भट्टी नहीं हुई, हाँ होने की चाहिए, लेकिन वो क्वेश्चन पूछने के लिए कहा है। शिव बाबा आप तो कहते हैं कि भक्ति मार्ग से प्रेरित किसी भी चीज को फॉलो नहीं करना है, लेकिन बाबा हिंदू धर्म का पंचांग तो पूरी तरह से भक्ति मार्ग से प्रेरित है जिसे हम सब फॉलो करते हैं, तो क्या इसका भी हिसाब किताब हमारा बनेगा? हम क्या फॉलो करते हैं? अरे वो करते होंगे ना जिसने क्वेश्चन, वो करते हैं, हम थोड़े ही फॉलो करते हैं, हम तो देवी देवता सनातन धर्म को फॉलो करना करने वाले हैं, हम हिंदू धर्म को कहाँ फॉलो करते हैं? और दूसरा प्रश्न है उसका क्वेश्चन है, बाबा इस लोक और परलोक का ज्ञान तो आपने बताया, लेकिन ब्रह्मांड का क्या रहस्य है जहाँ हजारों करोड़े करोड़ों ग्रह और तारे हैं, बैन हॉल एंड गैलेक्सीज है, आकाश गंगाएं है, जैसे हमारी पृथ्वी पर जीवन है वैसे ही क्या और किसी ग्रह पर भी जीवन है या हुआ था या होगा? बाबा ब्रह्मांड का रहस्य बताइए, ये दोनों क्वेश्चन उसी के। ये विष्णु पार्टी से प्रेरित आत्मा है, ब्रह्मांड ब्रह्मांड उन्हें यही पता नहीं, वो सब जड़ तारे हैं, वो जड़ तुम्हें ही जो तारे हैं उनमें कोई सृष्टि नहीं होती है, सृष्टि सिर्फ एक पृथ्वी पर ही है, इस पृथ्वी की दूरी सूर्य से एक्यूरेट होनी चाहिए, अगर वो दूरी थोड़ी दूर हो गई थोड़ी नजदीक हो गई तो जीवन नहीं हो सकता। एक पृथ्वी के ऊपर ही सूर्य की दूरी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर दूर हो जाती है तो वहां कोई जीव जंतु नहीं मिलता। तो और सितारे और नक्षत्र और उपग्रह
तो कितने दूर है सूर्य से और कितने नजदीक हैं, वहां तो जीवन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और जहां जीवन ही नहीं वहां का हमें चिंतन क्यों करना। हमें तो बाबा ने बता दिया, तुम हो धरती के चैतन्य सितारे, तुम एक एक चैतन्य सितारे में दुनिया बसी हुई है, यहां की बात है, उन सितारों की बात नहीं है। बाबा जी, हाँ जी, बाबा के सामने आते ही सब प्रश्नों का आप ही समाधान हो जाता है। फिर काहे के लिए पूछते हैं? उनके प्रश्न खत्म हो जाते हैं, पढ़ाई में वो आगे चले जाना चाहिए ना। हाँ? अभी भी बाबा मधुबन से जाने के बाद वही आत्माओं के मन में प्रश्न उभर जाते हैं। हाँ? पूछो तो उत्तर नहीं दे सकते। हाँ? में क्या कहेंगे, माया का प्रभाव पड़ जाता है, संघ के रंग में आ जाते हैं, अपने संघ का रंग नहीं लगा पाते, उनके संघ के रंग में आ जाते हैं। बाबा, वीरभद्र और कालभद्र देवी के दो रक्षक हैं, तो वीरभद्र आगे और कालभद्र पीछे पीछे क्यों चलते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा और ब्रह्मा, इन दोनों में आगे कौन है और पीछे कौन है? प्रजापिता आगे है और ब्रह्मा पीछे है। रचयिता हमेशा आगे होता है और रचना पीछे होती है, तो वीरभद्र भी आगे है और कालभद्र पीछे है। लेकिन ये कालभद्र और वीरभद्र आगे पीछे देवी के कब चलते हैं? सत्युग में, त्रेता में, द्वापर में या कलयुग में? है कलयुग में चलते हैं। बाबा, है ठंडा पॉइंट है, अभी अभी ध्यान रखना, सूक्ष्म सजाओं के साथ साथ स्थूल सजा भी होती है, ऐसे नहीं समझना, सूक्ष्म सजा को अपने अंदर भोग कर खत्म करेंगे। है तो सूक्ष्म सजा यानी कैसी होगी? सूक्ष्म सजा ऐसे ही होंगी जैसे सपने में कोई गला काटता है। बाबा, शंकर पार्वती, हातिम ताई की कहानी है, जो मनुहारा मुंह में डालता था तो माया भाग जाती थी, तो यहाँ बेहद का मनुहारा कौन सा है? बाबा, बाबा की याद। शंकर पार्वती द्वारा संकल्पों से स्थापना की गई, आनन कानन में पहले विष्णु तपस्या करता है तब काशी की स्थापना होती है, इसका अर्थ क्या? आनंद कानन, आनंद कानन माने आनंद कानन, कानन माने जंगल, जंगल तो है लेकिन उस जंगल में भी आनंद ही आनंद है, क्योंकि विष्णु की रचना है, इसलिए काशी का भी जवाब आ गया इसमें। बाबा जी, बाबा कहते हैं जो भी कर्म करूं बाबा से पूछ कर करूं, यहाँ तो ऐसा जमाना आ गया है कोई किसकी बातों को सुनता नहीं, किसी के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो बाबा से कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो पाता, तो ये पूछने वाली बात को प्रैक्टिकल में कैसे लाए? बाबा तो कहते हैं तुम मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम तो उल्टी बातें कर रहे हो। शंकर जी को शंख नहीं तुतारे लटके हुए दिखाते हैं, तुतारे लटके हुए दिखाते हैं, ऐसा कहा है, शंकर जी को शंख नहीं तुतारे आदि लटके हुए दिखाते हैं, तो ये तुतारे माने देहत में क्या आते हैं? आत्मा रूपी सितारे हैं और क्या है? कम्र उम्र वाली माता अगर रेगुलर क्लास करती है, करना चाहती है, भट्टी करना चाहती है, आगे उसके पति परमिशन ना दे तो वह माता क्या करे? अगर हिम्मत वाली माता है तो वो उसे तलाक दे सकती है, अगर वो दे सकती है तो ये विदेशी विधर्मी संस्कार कहलाए जा सकते हैं क्या? सारी दुनिया में आज स्वदेशी है, स्वदेशी का प्रभाव है या विदेशी का प्रभाव है? विदेशी रावण है या राम है? रावण विदेशी है। सारी दुनिया में रावण का राज्य है या राम का राज्य है? जब है ही रावण का राज्य, तो रावण के राज्य में स्वदेशी स्त्रियां कहां से आ जाएंगी?
सारी तो रावण के बंधन में है। सीता रावण के बंधन में है या नहीं है? वो भी रावण के बंधन में, तो और कौन बचेगा? सारे जगत की जो अम्बा है, सब माताओं की अम्मा है, वो ही बंधन में है। तो जो बंधन है वो बंधन में रहना अच्छा या बंधन को काट देना अच्छा? पुष्पा माता का मिसाल है, उनका पति उनको परमिशन नहीं देता था, कोर्ट में चढ़ गई, हमको ये धार्मिक स्वतंत्रता नहीं देता, इससे हमको लिखवा के दो, हम जब कभी भी आश्रम में जाना चाहें, जितने दिन ठहरना चाहें, जहां कहीं भी घूमना चाहें, ईश्वरी सेवा के लिए हमें पूरी परमिशन देगा, लिखवा लिया। बाबा, अष्टदेवों में हस्त की प्रजा बनना और अष्टदेवों का दूसरा तीसरा पन का बनना, इन्हीं की क्या हस्त खुशीबत होंगी, क्योंकि हस्त की प्रजा तो हस्त को फॉलो कर रही है। क्यों आठ हस्त को फॉलो नहीं करेंगे? है? जितना आठ फर्स्ट को फॉलो करेंगे उतना कोई दूसरे फॉलो कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। और है माया यहाँ हरखंड बना देती है, तो हरखंड का अर्थ क्या? हरखंड, हरखंड का मतलब है टुकड़े टुकड़े कर देती है। और भारत पर 5000 वर्ष का पूरा ग्रहण लगा है, तो क्या सतयुग में भी 5000 वर्ष का पूरा ग्रहण चलता है कहीं? 5000 वर्ष पूरा ग्रहण चलता भी है? कहाँ ये पर्चों को जो भी आए उनसे तो उसी समय पूछो पहले। पीछे से तो बोलते हैं ग्रहण लगा रहेगा, अभी तो सोजरे में जा रहे हैं। हाँ, 5000 वर्ष का ग्रहण होता ही नहीं है। मुझे बोला है बाबा, है अभी भारत पर पूरा ग्रहण लगा है। भारत पर पूरा ग्रहण लगा हुआ है, 5000 वर्ष का ग्रहण नहीं लगा हुआ है, भारत पर पूरा ग्रहण लगा हुआ है। हाँ, माया का भारत को ग्रहण लगने में 5000 वर्ष लगते हैं, पूरा ग्रहण लगने में 5000 वर्ष लगते हैं। आधा ग्रहण लगना माने 8 कलाएं कम हो जाना, उसमें कितने वर्ष लगते हैं? 2500 वर्ष लगते हैं। द्वापर युग में 4 कलाएं रह जाती हैं, और कलयुग में 9 कला, तो कलयुग अंत तक आते आते कलाहीन बन गया, माना कोई कला का इकट्ठे हो गई, सारी कोई कला नहीं रही। जो बिगड़ रह नहीं सकते है? और बच्चे बाप बिगड़ रह नहीं सकते है? तो राधा अर्थात लक्ष्मी जैसा है? पूरा मन बुद्धि से है? शूटिंग करती है, वैसे ही बच्चों की शूटिंग होती है ना? वो तो एक ही होगा, सबकी कैसे हो जाएगी? ऐसी स्टेज तो जो वाइब्रेशन से ही सदैव संग का रंग लेता रहे, खुशी में रहता रहे, संगम युग को मौजों का युग मनाता रहे, दुखी न हो, वो एक ही ऐसी स्टेज होगी या सबकी हो जाएगी? एक की होगी। बाबा, हाँ। जो आत्मा को लगता है क्या कुछ भी हो जाए तपस्या करेंगे, लेकिन अंतिम समय कोई कष्ट ना होना चाहिए। तो कोई क्या नहीं होना चाहिए? कष्ट नहीं होना चाहिए, शरीर छोड़ते वक्त तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है। हाँ नहीं होगी तकलीफ, करके तो दिखाओ। हाँ, भक्ति मार्ग में और तरफ बुद्धि चली जाती थी तो अपने को चमाट मारते थे, और इस समय बाप को याद नहीं किया तो चुनरी पहनना चाहिए, तो चुनरी माने बेहद का ऐसे करके चिकोड़ते हैं ना। ब्रह्मा को रिगार्ड देना है, नहीं तो वर्षा नहीं मिलेगा और सजाए खाने पड़ेंगे।
यह बात अष्टदेवों के लिए होती है या नहीं? वो तो सजाएं खाते ही नहीं है, मालूम नहीं है क्या? हाँ जी, जो भी पढ़ाई पढ़ते हैं रुद्र माधव बाबा आने पर वो अपने प्रश्नों का आमने सामने समाधान नहीं करते, तो वो पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये बाबा कैसे जानेंगे? क्या वो बाबा तो बता रहे हैं ना मुरली में कि मैं तो बिना पूछे ही सब कुछ बताता रहता हूँ, तुम क्या पूछेंगे? पहले जब तुम ज्ञान में नहीं थे तो कुछ जानते थे क्या? हैं? अभी तुमने बेसिक नॉलेज ले ली, एडवांस नॉलेज ले ली तो तुम पूछने लगे, पहले तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे। मैं तुम्हारे पूछने पर देता हूँ, मांगने पर देता हूँ या बिना मांगे ही सब कुछ देता हूँ? बाबा जी इसके आगे क्या वो बाबा बन गए हैं जो उनको आते ही सब कुछ समझ जाता है? जो प्रश्न नहीं पूछते आमने सामने वाले, हाँ तो बाबा बन गए उनको? बाबा नहीं बन गए, बाबा समान बनने वाले हैं, बाप समान बनने वाले हैं। जैसे बाप पूरे 84 जन्म लेने वाला है, वैसे वो 4.5 लाख भी पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं। उस लिस्ट में आ जाएंगे यथा राजा तथा प्रजा। हम से चुनेगा दाना, जैसे प्रजापिता को कोई प्रश्न नहीं आता है, आता है? कोई प्रश्न नहीं आता, तो जो बाप के बच्चे होंगे उनको भी कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं आता है, जितना बाप ने सुना दिया उसी के मनन चिंतन मंथन में बुद्धि लगी रहती है। शास्त्र में जिस कृष्ण का उल्लेख किया है वह संगम के कृष्ण की बात है? नहीं, संगम के कृष्ण की तो बात है ही नहीं शास्त्र में, ये तो बाबा ने आकर के ज्ञान समझाया है, शास्त्र में कहाँ से आ जाएगा? शास्त्रों में जो भी गायन पूजन बताया तो वो संगम युग के ही कृष्ण का बताया ना बाबा? अरे शास्त्रों में जिस कृष्ण को गीता का भगवान कह दिया वो संगम की कृष्ण है, महिमा की है बताया है, जैसे माखन चोर ये सब, ये तो शिव बाबा की महिमा है, श्री कृष्ण की कहाँ है? कृष्ण के पैर में बहेलिया ने तीर मारा तो ये बात दादा लेखराज पे लागू होती है? उनके बुद्ध रूपी पाँव में हो बहेली ने तीर मार दिया, ये संगम युग कृष्ण पर लागू नहीं होती बाबा? उनको कहाँ तीर लगता है, वो दुखी होंगे, उनको घाव लगेगा, और संगम युग कृष्ण इज इक्वल टू सती भी कृष्ण नहीं, जो संगम युग कृष्ण है वो ही प्रजापिता है, जो प्रजापिता है वही शंकर है, जो शंकर है वही नारायण है, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर है, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण है, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण है, तो वो है संगम की कृष्ण जो नेक्स्ट टू गॉड है। हम सब चुगेंगा दाना, धुन का कौवा मोती खाएगा, ऐसा कलयुग आएगा, राम जी कह गए सिया जी से माना क्या? माना क्या, जितने गीत हैं सब उठा लो फिल्मी दुनिया के, और फिल्मी दुनिया के एक एक गीत को बैठ करके पूछो इसका माना क्या? बाबा है? कोई आत्माएं एक ही शरीर में रहते बेसिक और एडवांस दोनों ज्ञान लेती है, और कोई आत्मा एक जन्म में बेसिक फिर शरीर छोड़कर डायरेक्ट एडवांस में आती है, तो दोनों में से श्रेष्ठ आत्माएं कौन सी? शरीर छोड़कर, हाँ शरीर छोड़ देती है बेसिक ज्ञान लेते हुए फिर डायरेक्ट एडवांस में भी आ जाती है कोई? बाबा ने कहा ना जब एडवांस में कोई आता है डायरेक्ट तो वो पहले ले चुकी है आत्मा ज्ञान में रहे हो। एडवांस में आने से पहले अगर उन्होंने कहीं संदेश ले लिया है एडवांस का, और एडवांस का संदेश लेने के बाद उनकी बुद्धि में कुछ बैठ गया यही सच्चाई है तो एडवांस में आ जाती है। तो दोनों में फिर श्रेष्ठ कौन है, जो एक ही शरीर रहते दोनों ज्ञान लेना या शरीर छोड़कर फिर एडवांस में आती? राम वाली आत्मा शरीर छोड़ करके एडवांस में आती है या बिना शरीर छोड़े एडवांस में आती है? तो जो उसे फॉलो करते हैं वो भी वैसे ही है।
जो दरिद्रता वाला होता है, जो दरिद्र वाला दरिद्रता वाला होता है तो अपना धन कैसे अर्पण करेगा? उसके पास एक पैसा है कि नहीं? जिसने एक रुपया जमा करके रखा हुआ है बैंक बैलेंस, उसका है ही एक रुपया, तो वो एक रुपया यज्ञ में दे सकता है या नहीं दे सकता है? तो उसका उतना ही बन जाएगा जितना करोड़पति का करोड़ देने से बनेगा। द्रौपदी दाव पर लगी यह बात हर या बेहद की, बेहद में द्रौपदी कैसे दाव पर लगी थी? कैसे लगी थी दाव पर? अभी द्रौपदी है कोई कि नहीं है? अभी द्रौपदी का पार्ट बजाने वाली कोई आत्मा ब्राह्मणों की दुनिया में है या नहीं है? है, कौन है? है, तुम सब द्रौपदियां तो हो, लेकिन नंबर वार हो या 100% हो? तो 100% द्रौपदी कौन है? कोई है या नहीं है? कौन है? है जगदम्बा। तो जगदम्बा को जगत पिता ने दांव पर लगा दिया या नहीं लगा दिया? या मेरी पत्नी ऐसे समझा, कहाँ जा रही है तू बिना तलाक दिए? रोका क्या? तो दांव पे लगाया या नहीं लगाया? अभी आत्मा आत्मा भाई भाई का टाइम है या मेरी पत्नी मेरा पति का टाइम है? है, तो आत्मा आत्मा अगर भाई भाई समझा तो भाई भाई को स्वतंत्र छोड़ना है या उसके ऊपर बंधन डालना है? स्वतंत्र छोड़ना माना आत्मा आत्मा भाई भाई, पति पत्नी को अर्पण किया ऐसे कहा जाएगा। अगर बंधन डाला तो अर्पण किया या बंधन डाला? बंधन डाल दिया है। सीता ने धनुष बाण उठाने के लिए बाएं हाथ रूपी रुद्रमाला के मंत्र को ही क्यों यूज किया? सीता ने धनुष बाण उठाने के लिए बाएं हाथ रूपी रुद्रमाला के मंत्र को ही क्यों चुना? धरणी जो है वो पवित्र बनाने के लिए, धरणी को जब पवित्र बनाया जाता है तो दाएं हाथ से झाड़ू लगाते हैं या बाएं हाथ से झाड़ू लगाते हैं? हैं? दाएं हाथ से झाड़ू लगाते हैं, लेकिन लिपाई पुताई कैसे करते हैं? बाएं हाथ से करते हैं। तो ऐसे ही है यहाँ पर, जो धनुष उठाया है वो धनुष के बारे में आज भी मुरली में बात आई, मुरली में धनुष के बारे में बात आई कि नहीं? क्या बात आई है? काहे का धनुष है? है, अरे ये धनुष किस काहे का है? विकारों का धनुष है। मुरली में क्या आया आज? विकारों का धनुष है। कहते हैं दधीची ऋषि की हड्डियों से बनाया हुआ धनुष था, तो दधीची ऋषि की जो हड्डियां थी वो विकारी थी या निर्विकारी थी? विकारी हड्डियां थी। वो विकारों का धनुष है, उस विकारों के धनुष को, विकारों की हड्डियों से बने हुए धनुष को सीता ने उठाया, बाएं हाथ में उठा लिया। बाएं हाथ में उठाने का मतलब है विकार दाएं हाथ से उठाने चाहिए या बाएं हाथ से उठाना चाहिए? हैं? बाएं हाथ से। शिव बाबा भी आते हैं तो दाया हाथ है शिव बाबा का ब्रह्मा और बाया हाथ कौन है? शंकर। तो विकारों का धनुष काय से उठाया? कौन से हाथ से उठाया? बाएं हाथ से उठाया। बाबा, अर्थात राम वाली आत्मा परिवार को कैसे दाव पर लगाता है? अभी तो बता दिया, अभी द्रौपदी का मिसाल देके बताया कि नहीं बताया? बताते ही भूल गए। हाँ, आत्मा आत्मा भाई भाई है तो कोई अपना बच्चा नहीं, कोई अपनी बेटी नहीं, कोई अपनी पत्नी नहीं, फिर उनके ऊपर कोई कंट्रोल चलाने वाली बात भी पैदा नहीं हो सकती। हाँ, एक माता का प्रश्न है। बाबा, श्राप देने का अर्थ है
श्राप देने वाले ने परिस्थितियों से हार मान ली हो तो बाबा युधिष्ठिर ने कुंती को श्राप क्यों दिया? युधिष्ठिर तो ये समझते थे कि माता हमको अपने दिल की सारी बात सही सच्ची सच्चाई से बता देगी, तो माता के ऊपर युधिष्ठिर का अधिकार हुआ ऐसे समझ लिया या अनाधिकार चेष्टा की है? पूरा कंट्रोल होना चाहिए बच्चे का माता के ऊपर या नहीं होना चाहिए है? कंट्रोल चाहिए। गीता का वो कृष्ण जो है गीता माता का कंट्रोलर होना चाहिए, तो गलत फहमी थी उनकी जो उन्होंने ऐसे समझ लिया कि कुंती माता उनको अपने जिंदगी की सारी बातें उन्हें बताए, तो पापी तो कमाया। शक्ति जो है वो अच्छे काम में खर्च करना चाहिए या शाप देने में खर्च करना चाहिए है? हाँ जी बाबा जी, हम सोचते बहुत है लेकिन जो भी नया सेकंड आता है उस सेकंड के समय वही संकल्प चलेंगे जो कल्प पहले चले होंगे है? हमको अगर आने वाले उस सेकंड में होने वाली घटना का एक रूप पता पड़ जाए तो पहले से ऐसा होने नहीं देंगे जो उल्टा होने वाला है, है? लेकिन ऐसा पता नहीं पड़ता क्यों? क्यों अगर पता पड़ जाए फिर तो तुम ही भगवान हो जाओ, त्रिकालदर्शी हो जाओ। त्रिकालदर्शी तो एक शिव बाबा ही है, दूसरा तो कोई नहीं बन सकता। तन धन मन सुहस्त परिवार को पूरी तरह से यज्ञ में स्वाहा करने वाले त्रिमूर्ति में कौन निकलता है और कैसे? शूटिंग में ही यह पूरी तरह से अर्पण करने का मतलब क्या है? 100% अर्पण करना या परसेंटेज कम रह जाना? 100% अर्पण करना, जान तो तुम्हें हुई जाएगी। जो पूरा ही अर्पण करता है वो पूरा ज्ञानी है। पूरा ज्ञानी है का मतलब बाप समान ही बन जाता है। शिव बाप है तो शिव समान कौन बनता है? त्रिमूर्ति में कौन है जो शिव बाप समान बन जाता है? शंकर है। बाप और दादा दोनों इकट्ठे दिल लेते हैं, ये तुमको मशीन मिलती है श्रृंगार करने के लिए है। कौन है बाप और कौन है दादा? अरे मनुष्य आत्माओं का बाप कौन है? मनुष्यों का बाप है प्रजापिता, और दादा कौन है? ब्रह्मा दादा है। ये दोनों तुमको मिले हैं। तुझी बाबा खेल क्यों ऐसा बचा है? उनको समझाने जाओ बेसी वालों को तो वो पानी में पकड़ते बोलते, वो माउंट आबू में बोलते आप बोल रहे बोलते कि भगवान आया नहीं आया हूँ, तो फिर बाप दादा ऐसा शब्द क्यों उन्होंने उच्चार किया? उनके बाप दादा तो इसलिए उच्चारण करते हैं कि गुलजार दादी में ब्रह्मा की सूल जब प्रवेश करती है तो सदा पक्की याद में रहती है। कोई भी ब्राह्मण जहाँ देखने वाले जिन्होंने देखा है वो जानते हैं कि गुलजार दादी की स्टेज कैसी रहती है, निराकारी याद की स्टेज रहती है या बिछो की स्टेज रहती है? निराकारी याद की स्टेज रहती है। ऐसी पूरी बात सुन लो पहले, बिना निराकारी याद में ठहरे ब्रह्मा बाबा की सोल गुलजार दादी में प्रवेश नहीं करती है। तो तुम मुझे जितना याद करते हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए बाप दादा कहा जाता है। हाँ तो ऐसे बताते हैं ना बाबा, बाप क्यों बोले बोले फिर बाप ऐसे फुकड़े बोल रहे क्या? बाप इसलिए बोले कि बाप की याद आती है, बाप की याद है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, बाप तुम्हारे साथ है इसलिए बाप भी साथ है और दादा तो है ही उसमें प्रवेश करने वाला गुलजार दादी में। बाबा है सभी छोटी मम्मी आती नहीं क्या बाबा? क्योंकि नाम नहीं क्या छोटी मम्मी नहीं आती क्या? तो जब बाप दादा माउंट आबू में आते हैं व्यक्तवाणी चलती है तो छोटी मम्मी नहीं आती क्या? नहीं आती आती नहीं क्या? कभी आई होगी क्या? बड़ी बात है
हमारे सामने ही कौन बड़ी मम्मी छोटी मम्मी हमारे सामने ही आई नहीं आती है तो क्या उनको बुलाया ये बात हो सकती है उनको उस समय न बुलाया जाता हो जिस समय बाप दादा का प्रोग्राम होता है उस समय उनको बुलाने का प्रोग्राम कैंसिल कर देते हो जानकी दादी जयंती बहन इन सबको बुलाया जाता है उनको नहीं बुलाया जाता तो नहीं आती है अब एक आदमी पूछ रहा है तो एक आदमी पूछ लेने दो हाँ मुरली पांडे सभी धर्मों की आंखें आबू में डूबेंगी तो लेक की तरफ एक अच्छा प्लाट लेना चाहिए तो लेक की तरफ भी क्यों कहा वो तो ले लिया ना अभी जो बड़ी नक्की लेक है उसमें जगह नहीं रही अब प्लाट नहीं रहे खरीदने के लिए इस छोटी नक्की लेक एक और तैयार हो रही है जैसे पहले सनसेट पॉइंट तैयार हुआ था तो सब देखने जाते थे क्योंकि उस समय टाइम चल रहा था सूर्यास्त का ज्ञान सूर्य ब्रह्मा के अंदर अस्त होने वाला था इसलिए यादगार बन गई अभी वहां यादगार बन गई है सनराइज पॉइंट सूर्योदय पॉइंट ऐसे ही पहले बड़ी नक्की लेक थी अभी छोटी नक्की लेक बहुत विस्तार डेवलप हो रही है वो जब डेवलप हो जाएगी तो चारों तरफ प्लाट ही प्लाट है उसमें लेने के लिए खरीदने के लिए एडवांस वालों ने खरीद भी लिया बहुत तीखे हैं एडवांस वाले ये कन्या बाबा क्लास में आके बैठ रही है आठ दिन हो गए बेसिक में से निकल के ये कन्या क्लास कर रही है अच्छी बात है बाबा मैं जो हूँ माना क्या है मैं जो हूँ और जैसा हूँ और जिस रूप में पार्ट बजाए रहा हूँ उसे कोई बिरले जानते हैं जानते हैं उससे उसमें लक्ष्मी भी है उसमें लक्ष्मी भी है लक्ष्मी लक्ष्मी की याद है लक्ष्मी समाई हुई है दिल के अंदर तो है नहीं और है मुरली के अंदर बाप ब्रह्मा बाप आया है ब्रह्मा का नाम पहले क्यों आया ब्रह्मा बाप आया हुआ है जब लौकिक परिवार में कहते हैं तुम्हारे अम्मा बाप कहाँ है तो अम्मा के पहले क्यों लगाए देते हैं पहले लगाना चाहिए बाप माँ कहाँ है? है तो अपने मम्मा अम्मा बाप को जानते हो माँ बाप को जानते हो तो पहले माँ का नाम लेते हैं कि बाप का नाम लेते हैं क्यों बाप को देखे ही नहीं अरे बच्चे को बनाने में ज्यादा बाप ने सहयोग दिया है कि माँ ने दिया है इसलिए माँ का नाम पहले ये कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए दुनिया हाँ दोनों लोग पूछो साथ साथ पूछो एक इधर बैठ जाओ एक उधर बैठ जाओ है बाबा दुनिया में इतने सागर है वो किनकी यादगार है क्योंकि ज्ञान का प्रभाव तो एक ही है दुनिया में इतने सागर है वो किनकी यादगार है क्योंकि दुनिया ज्ञान सागर बाप एक ही है जो सागर हैं वो सात सागर हैं प्रशांत महासागर हिंद महासागर अरब सागर अंध महासागर पैसिफिक महासागर ऐसे टोटल मिलाकर के सात सागर हैं भूमध्य सागर वो ही अटलांटिक माने अंध महासागर तो सात सागर हैं ये सात सागर सप्त ऋषियों की यादगार हैं जो सप्त ऋषि हैं वो ही सात नारायण बनने वाली आत्माएं हैं इसलिए उन सातों में पूरा ज्ञान नहीं है अलग अलग तरीके का ज्ञान है अलग अलग धर्म पिताओं के आधार मूर्त बनते हैं लेकिन सातों सागरों का ज्ञान जिस एक सागर में समाया हुआ है
वो एक ही है प्रजापिता। और सभी धर्म के धर्म पिता आधा मुझ में प्रवेश करते हैं और आदि सनातन देवी देवता धर्म के धर्म पिता तो आधा मूर्त नहीं होता। ब्रह्मा में नहीं आता है तो आधार हुआ ना। प्रगतिम सौम्यधिष्ठा गीता में भी तो लिखा हुआ है मैं अपनी प्रकृति का आधार लेकर आता हूँ। ऐसे कैसे कह सकते हो मैं जिसमें आता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। बाबा है? बेसिक वालों को ज्ञान एडवांस का बताना चाहिए ना, वो आए चाहे मत आए एडवांस में, लेकिन बताना अच्छा है। तो क्या जा, सर के ऊपर कंधे पर चढ़ के जबरदस्ती सुनाओगे क्या? सुनने वाला हो तो सुनने वाला हो तो सुनाओ। सुनने वाला वो प्यार से सुनता है उसे क्यों नहीं सुनाओगे? हाँ जी, मुरली में बोला है कि कृष्ण को सन्यासी लोग मानते ही नहीं है क्योंकि सन्यासी अपने को पवित्र मानते हैं और कृष्ण के लिए कहते हैं कि कृष्ण को 16108 रानियां थी। पर शूटिंग पीरियड में संगम युग में बेसिक ब्राह्मण है वो सन्यासी लोग उनको कहा है ना, तो वो तो कृष्ण रूपी ब्रह्मा को मानते हैं। वो अधूरे हैं, अज्ञानी हैं, तब मानते हैं, भक्ति हैं, भगत हैं, तब मानते हैं कि जब उनको ज्ञान हो जाएगा तब मानेंगे। हैं? हम तो भगत हैं ना, तो भगत होने के कारण मानते हैं। हम भी पहले भगत थे या ज्ञानी थे? भगत थे तो हम भी मानते थे, अब नहीं मानते। जैसे हेविन का अर्थ है कर्मेंद्रियों पे जीत पाना, वैसे हेल का अर्थ क्या है? माने क्या और ला माने क्या है? अरे तेरे पास जो कुछ भी है सो ला, तेरे पास जो कुछ भी है सो क्या कर ला, तो क्या हो गया है? हेल हो गया। तो कौन मांगता है? है शिव मांगता है? मांगता है या लेता है? प्रैक्टिकल में लेने वाला कौन है? है शिव लेता है? कौन लेता है? ब्रह्मा लेता है। तो जो लेने वाला है वास्तव में वो ही हेल बनाने वाला है। शिव तो न किसी से कुछ लेता है और न किसी को कुछ देता है, वो तो सिर्फ ज्ञान देता है। बाबा फिर वो तीन तीन लाख दो दो लाख लेते बेसिक में समर्पित होने के लिए कन्या की जरूरत है, तो वो क्या है? वो तो वहाँ तो भगवान ने पहले ज्ञान बताया ना। तो पहले भगवान ने जब ज्ञान बताया तब लेते थे क्या भगवान? फिर अब लेते हैं। अब भगवान का ज्ञान चल रहा है कि वहाँ देहधारियों का ज्ञान चल रहा है? फिर और लेना और देना और ये भक्ति मार्ग में की बातें हैं, कन्याओं से कन्याओं के नाम पर क्या दिया जाता है? हाँ, दहेज लेते हैं। ये भक्ति मार्ग का फाउंडेशन है या ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन है? ये तो भक्ति मार्ग की बातें हैं। बाबा जी, अभी जब तक नई दुनिया नहीं बनेगी तब तक ये भ्रष्टाचारी दुनिया की कितनी लातें हमें खानी पड़ेगी। हम दैवी गुणों पर चलने की कोशिश करते हैं और ये भ्रष्ट दुनिया बाहर वाली हमें धोखा देती रहती है, इसलिए ये हमें स्थूल व्यवहार कैसा करना है इनके साथ सहन करो। ये हमें नहीं समझ, सहन करो। सहन तुम्हें समझ इसलिए नहीं आती कि तुम समझे बैठे हो हमने एक ही जन्म लिया है। क्या जिनकी बुद्धि में ये बैठा हुआ है हमारा एक ही जन्म है सब कुछ, पीछे हमने कोई जन्म ही नहीं लिए है, तो पीछे जो जन्म जिनके भूल जाते हैं बार बार वो कौन से धर्म की आत्मा होती है? अरे हिंदुओं को पिछले जन्म याद रहते हैं या मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को पिछले जन्म याद रहते हैं? हिंदुओं को पिछले जन्म याद रहते हैं, वो जानते हैं हम 84 का चक्कर काटने वाले हैं, और हिंदू मुसलमानों की क्या मान्यता है? वो मुसलमान और क्रिश्चियंस की क्या मान्यता है? पुनर्जन्म होता ही नहीं।
तो बार बार ये बात भूल जाना कि हमने पहले भी जन्म लिए हैं, उन पूर्व जन्मों का हिसाब किताब यहाँ हमें चुकतू करना ही करना है, ये भूल जाना किस बात की निशानी है? हैं? हम विदेशी संस्कृत से ज्यादा प्रभावित हो गए। अपने 84 जन्मों को भूल रहे हैं, नहीं तो हमें हर बात सहन करनी चाहिए। है मुरली में कहा है कि नालेर धारण कर सच्चा सच्चा ब्राह्मण व्यास बनना है, है? नालेर धारण कर सच्चा सच्चा ब्राह्मण व्यास बनना है, है? और दूसरी तरफ कहते हैं कि व्यास सबसे बड़े से बड़ा झूठा गुरु है, है? वो झूठा व्यास था, ये सच्चा व्यास है। अरे झूठी गीता और सच्ची गीता कहाँ होती है? भक्ति मार्ग में होती है झूठी गीता, और ज्ञान मार्ग में होती है सच्ची गीता। और सच्चा व्यास और झूठा व्यास कहाँ होता है? द्वापर कलयुग में होता है झूठा व्यास, और ज्ञान मार्ग में होता है सच्चा व्यास। सच्चा व्यास गीता की सच्ची व्याख्या करेगा या झूठी व्याख्या करेगा? यज्ञ के आदि में गीता की व्याख्या कौन करके सुनाता था? तो जो गीता की व्याख्या करके सुनाता था यज्ञ के आदि में, वो सच्चा व्यास था या झूठा व्यास था? सच्चा व्यास था। जो पहले मरते हैं तो बाप को प्रत्यक्ष करते हैं, काशी में रहने वाले पहले मरेंगे नहीं क्या? और बाबा बोलते पहले मरेंगे नहीं, वो मर करके आ रहे हैं दुनिया से या बिना मरे आ रहे हैं? माँ बाप का फोन आता है तो कहते हैं हमें बात नहीं करनी है, पहले ज्ञान में पूरे पूरे चलो। जब ज्ञान में पूरे चलने लग पड़ोगे, क्लासेस अटेंड करने लग पड़ोगे, भट्टी कर लोगे, साप्ताहिक कोर्स कर लोगे, तो हम आपसे मिलेंगे नहीं, तो नहीं मिलेंगे, हमें मिलना ही नहीं आपसे। तो दुनिया से मर गए, मरने का प्रूफ दे रहे हैं या जिंदा है? फिर आप अपने धन संपत्ति रुपया पैसा और कपड़ा लिता अपने पास रखो, अपना मकान अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा मकान, हमें तुम्हारा बनाया हुआ मिनी मधुवन भी नहीं चाहिए। तो इसको मरना नहीं कहा जाता है क्या? हम खिचड़ी में संतुष्ट हैं, हमें आपकी खीर पूड़ी नहीं चाहिए, हमको बार बार घर में मत बुलाओ, हमारी याद छोड़ दो, तो अब दोबारा फिर मरना होगा क्या? और आगे है? अगर मरना होगा भी तो भक्ति मार्ग में उसकी यादगार चलती है। भक्ति मार्ग में काशी करवट खाते हैं, खाते हैं कि नहीं? तो पूर्व जन्म के सारे पाप उनके बस में हो जाते हैं, ऐसे यहाँ भी है। और बाबा बोलते जो बाप को प्रत्यक्ष करो वो विदेशी, तो बाबा इसमें उन पर क्या है? वो बोलते प्रत्यक्ष करते हैं ना, और बाबा बोलते जो बाबा को प्रत्यक्ष करते वो विदेशी, तो बाबा इसका उत्तर क्या? जो बिना साजसान जाने समझे बाबा को प्रत्यक्ष करते हैं और तुरंत सरेंडर हो जाते हैं, फौरन सरेंडर हो जाते हैं, वो विदेशी हैं। ये तो अच्छी बात है ना, पूरा जान करके हमको सरेंडर होना है, पूरा जान करके दूसरों को बताना है कि अधूरी जानकारी लेकर के दूसरों को बताना है? पूरी जानकारी लेकर के दूसरों को बताना चाहिए। माला बनाने में असुर संहारनी शक्ति बाप की विशेष सहयोगी बनती है, बाप अकेला माला नहीं बना सकता, तो माला बनाने के लिए बाप को शक्ति का सहयोग क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि उसे तोड़ना है सबको, जब तक सब टूटेंगे नहीं तो नंबर वार जुड़ेंगे कैसे? माला बनाई जाती है तो माला बनाने से पहले सारे मणके इधर उधर बिखरे हुए होते हैं या जुड़े हुए होते हैं, तो माया वो जगदम्बा का काम ही है सबको महाकाली बन के सबको तोड़ देना, अनिश्चय बुद्धि बना देना। सब अनिश्चय बुद्धि बन जाएंगे, फिर जो पहले पहले नंबर में आते जाएंगे वो माला में माया में फिर हो जाएंगे।
सदा सलामत है। ऐसे कौन से पॉइंट बताएंगे बाबा कि वो बच्चे निश्चय या निश्चय हैं? धीरे धर बनुआ, धीरे धर नाई के बाल आगे आने वाले हैं। और है सदा सलामत का बड़ा भारी अर्थ क्या है? सदा सलामत का अर्थ बड़ा भारी ये है कि दुनिया में चाहे भूकंप आ जाए, चाहे ट्रेन उलट जाए, चाहे हवाई जहाज ऊपर से नीचे गिर जाए, लेकिन तुमको चोट नहीं लगी। ये सदा सलामत का यही बड़ा भारी अर्थ है। और ऐसे होता भी है, होता है या नहीं? हवाई जहाज ऊपर से नीचे गिरते हैं, मरने वाले सब मर जाते हैं, जिसको जिंदा रहना होता है बच जाता है। मकान भूडोल आया, भूकंप आया, मकान हिला और गिर गया, और जब खुदाई होती है तो उसमें से जिंदा निकल जाते हैं। तेरे बहाने सर्व का भला, यह ब्रह्मा है तो यह सृष्टि का पहला पत्ता है। बीजों का भला करने के निमित्त पत्ता कैसे कैसे बनता है? बीजों का भला करने के निमित्त पूरा फिकरा क्या बताया? तेरे बहाने सर्व का पूरा नहीं है ये वाक्य, वाक्य पूरा बोलो। चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला, चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। ये तेरे शब्द बाबा किसको बोलते हैं? प्रजापिता के लिए बोलते हैं। तो जब प्रजापिता वाली आत्मा चढ़ती कला में जाएगी तो सारी दुनिया का भला हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरे नंबर में किसको लागू होता है? ब्रह्मा दादा लेखराज के लिए लागू होता है। जब उनकी चढ़ती कला होगी, वो उनकी बुद्धि में बैठेगा कि गीता का भगवान मैं नहीं हूँ, गीता का भगवान एक ही शिव बाबा है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो उनकी भी चढ़ती कला होगी। उनकी चढ़ती कला होने माने सारे चंद्रवंश की चढ़ती कला होना माने चंद्रवंश का जो बीज है वो कौन है? चंद्रवंश का बीज कौन है? है? अरे ब्रह्मा विजयमाला में है या रुद्रमाला में है? बीज पहले रुद्रमाला में देखे जाएंगे या विजयमाला में देखे जाएंगे? तो रुद्रमाला में बीज कौन है? जगदम्बा। तो ब्रह्मा चढ़ती कला में आना माने जगदम्बा चढ़ती कला में आना। वर्तमान समय में जो बाप से प्रश्न पूछते हैं, चाहे वो हद के हो या बेहद के हो, प्रश्न पूछने की शूटिंग अभी कर रहे हैं, तो क्या ड्रामा में भी वो साकार बाप से पूछते ही रहेंगे प्रश्न? पूछते नहीं रहेंगे, लड़ाइयाँ होती रहेंगी। यहाँ बाचा की लड़ाई में है। बाबा ज्ञान गंगाए अंत में निकले है, ज्ञान गंगाए अंत में निकलेगी तो 2018 के पहले या बाद में? जब ज्ञान गंगाएं निकलती हैं, तो गंगा कौन से धर्म की है? सन्यास धर्म की। जब निकलेंगे तो तुम बच्चों की जीत हो जाएगी। तो जीत अंत में होगी या पहले ही हो जाएगी? है अंत में होगी। बाबा मुरली ने बोला है ब्रह्मा को याद करने में इतनी तकलीफ होती है, तो बाकी आत्माओं की हालत कैसी होंगी? ब्रह्मा को याद करने में तकलीफ होती है? ब्रह्मा को याद करने में तकलीफ होती है? ब्रह्मा को याद करने में इतनी तकलीफ होती है? ब्रह्मा को याद करने में? ब्रह्मा को कौन याद करता है? अच्छा, ब्रह्मा बाबा जब खुद याद करते हैं। हाँ, ब्रह्मा बाबा को याद करने में तकलीफ होती है। तकलीफ उनको क्यों होती है? जान करके याद करते हैं कि बिना जाने याद करते हैं? ब्रह्मा बाबा जान पहचान करके याद करते हैं कि बिना जाने पहचाने याद करते हैं? तो तकलीफ होगी ना। जो जान के पहचान करके समझ करके तब याद करेंगे तो उनको सहज हो जाएगा। और बिना जाने पहचाने से वो हम कह के बैठ गए हम ये गीता का भगवान है, तो फिर तकलीफ ही हो जाएगी ना। बाबा
था, आप अभी ड्रामा के बंधन में बांधा है तो फिर ड्रामा को सर्वशक्तिमान का टाइटल क्यों नहीं दिया? ड्रामा ही तो सर्वशक्तिमान बताया, और क्या? और आत्मा एक शरीर बाप के तंबू पढ़ने वाली आत्माएं 4.5 लाख कहा है, तो 4.5 लाख कहा है बाप के संबंध में आने वाली आत्माएं, सन्मुख बैठने वाली आत्माएं, सन्मुख बैठने वाली हैं। तो बाबा ने कहा है कि मैं राजाओं को पढ़ाने के लिए आता हूँ, और राजा है एक तो आठ, तो ये समझ नहीं आता। ऐसे नहीं कहा कि मैं राजाओं को ही पढ़ाने के लिए आता हूँ, मैं राजाई पढ़ाने के लिए आता हूँ, और राजाई में सिर्फ राजाई पद पाने वाले ही नहीं है, राजा अकेला राज्य चलाता है या अपने सहयोगियों के साथ राज्य चलाता है, तो उसका परिवार नहीं है राजा का, है राजा का परिवार है, तो जो भी परिवार में है वो सब राजपद पाने वाले हैं। राजा के 10 बच्चे हों, छोटा बच्चा भी होगा तो उसका भी मर्तबा राज्य में होगा या नहीं होगा? है? होगा, वो भी एक तरह से छोटा राजा है। तो ऐसे नहीं 108 ही राजाएं हैं, राजाएं तो 16108 हैं, जो नंबर बार राजा ही चलाने वाले हैं टाइम टू टाइम, लेकिन उनकी प्रजा भी राजा जैसी ही है, यथा राजा तथा प्रजा। प्रजा का जो व्यक्ति एक बात कहेगा, राजा भी वही बात बोलेगा।